दोस्तों अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कि भाई ड्यूक 125 जो है वो यूरोपियन मॉडल इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च हो सकती है। और मुझे लगता है दोस्तों यूरोपियन जो ड्यूक 125 है ना भाई उसकी बात ही अलग है। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता था कि KTM वाले शायद कुछ दिन के बाद उस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेंगे, लेकिन दोस्तों ये लोग अभी तक नहीं किए। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये जो भेदभाव है ना भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट वाले ड्यूक 125 है ना उसकी बात ही अलग है। क्या ही बाइक है भाई, वो क्या चीज़ें हैं उसमें, आप समझ लो ड्यूक 390 की तरह है पूरी। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली बात है अपनी ड्यूक 125 का जो प्राइस है उस प्राइस में मुझे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला है KTM ड्यूक 125 इंटरनेशनल मार्केट के बारे में, कि उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा, आने वाली ड्यूक 125 के बारे में भी बताऊंगा, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं इंटरनेशनल मार्केट वाली ड्यूक 125 में ऐसा क्या खास है जो मैं कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छी है। देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट में ड्यूक 125 आती है ना उसमें आप लोगों को दोस्तों हमारे की जो ड्यूक 390 वाला TFT डिस्प्ले है वो TFT डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों वो TFT डिस्प्ले आता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात दोस्तों आपको बता दूं जो इंटरनेशनल मार्केट वाली ड्यूक 125 है उसमें आप लोगों को एग्जॉस्ट भी देखने को मिलेगा, जी हाँ जो सेम एग्जॉस्ट हमारे की 390 में देखने को मिलता है। और ये तो चलो ठीक है, इवन दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को जो ड्यूक 125 है ना इंटरनेशनल वाली उसमें आप लोगों को ग्राफिक भी सेम देखने को मिलता है जो कि KTM की ड्यूक 125 हमारे की KTM की ड्यूक 390 में देखने को मिलता है, 250 सेगमेंट की बाइक में मिलता है। मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट वाली ड्यूक 125 है ना उसका इंडियन मार्केट की ड्यूक 125 से कोई कंपेरिजन नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं उसमें आप लोगों को वो वाली LED लाइट देखने को मिलती है जो कि हमारे की ड्यूक 390 में आती है। मतलब लाइट में तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है, हमारे की ड्यूक 125 में तो LED नहीं आती, यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन लाइट देखने को मिलती है। तो आप समझ लीजिए इंटरनेशनल मार्केट ड्यूक 125 और इंडियन मार्केट ड्यूक 125 में कितना भेदभाव किया जाता है। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये दोस्तों अपनी ड्यूक 125 इंटरनेशनल मार्केट वाली थी। बात कर ले दोस्तों अपनी ड्यूक 125 के बारे में, हमारे यहाँ जो ड्यूक 125 है अभी वो अपडेट होकर आएगी तो उसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों हमारी वाली ड्यूक 125 में आपको सबसे पहला जो चेंज मिलने वाला है वो मिलने वाला है दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में। अब स्पीडोमीटर में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अभी आप लोगों को जो इसमें स्पीडोमीटर देखने को मिलता है वो फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। देखिए फीचर्स की उसमें भी कोई कमी नहीं, फीचर्स आप लोगों को बाइक में बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को जो स्पीडोमीटर मिल रहा है उसमें आप लोगों को नया वाला LCD पैनल देखने को मिलेगा। जी अपडेट होकर जाएगी तो नया वाला जो LCD पैनल है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा जो स्पीडोमीटर है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगा। बात कर ली दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशन में। अभी आप लोगों को बाइक में जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं वो आपको नॉर्मल WP के सस्पेंशन मिलते हैं, बट नेक्स्ट जनरेशन ड्यूक 125 में आपको WP के एपिक्स वाले सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो नॉर्मल सस्पेंशन के कंपैरिजन में थोड़े से बेहतर सस्पेंशन आपको देखने को मिल देंगे। वही दोस्तों बात कर ले इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक का ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन। आपको बता दूं भाई ऑब्वियसली बात है कोई भी कंपनी जब अपनी बाइक में नया अपडेट लाती है, नई कुछ लाने की कोशिश करती है तो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में जरूर काम करती है। सो आपको बता दूं जो नई वाली ड्यूक 125 आएगी उसमें आप लोगों को नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। हालांकि अब वो डिपेंड करता है दोस्तों क्या क्या मतलब किस टाइप का ग्राफिक रहे, कैसा ग्राफिक रहे, बाकी मुझे लगता है बहुत अच्छे से जो ग्राफिक्स है वो आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्राफिक कलर ऑप्शन है वो KTM का ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, तो नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन भी आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। बात करें दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग प्लेट्स में। आपको बता दूं जो नई वाली RC आई है ना उसमें आप लोगों को नई वाली ब्रेकिंग प्लेट्स देखने को मिली है। उन ब्रेकिंग प्लेट्स में आप लोगों ने देखा है कि उसमें जो बीच का सपोर्ट है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है, तो उससे क्या हुआ है दोस्तों बाइक की जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ी बेहतर देखने को मिलती है, प्लस बाइक का जो वेट है वो उससे भी वो रिड्यूस हुआ है, तो वेट कम करने की वजह से दोस्तों ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और आपको मैं क्लियर कर दूं वो जो ब्रेकिंग प्लेट है अभी जो ब्रेकिंग प्लेट मिलती है 300 mm की, बट वो ब्रेकिंग प्लेट आपको 220 mm के आसपास की देखने को मिल जाएगी। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट को लेकर तो है दोस्तों इस बाइक को लाइट्स को लेकर। अब दोस्तों लाइट्स को लेकर ये है कि भैया ये बात ना अभी भी मुझे सस्पेंस में लगती है कि KTM क्या सच में अपनी नई वाली ड्यूक 125 में LED लाइट देगा या नहीं देगा। देखिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसके जो चांसेस है ना वो थोड़े से कम है, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि भैया अगर इनको देना होता तो ये लोग अपनी साथ RC 125 में भी LED लाइट दे देते, तो इसके जो चांसेस है वो थोड़े से कम है। बाकी देखते हैं अगर दे दे LED लाइट तो और ज्यादा बेहतर है, बट इसके जो चांसेस है वो 50-50 चांसेस है, मैं आपको बता दूं। बात कर ले दोस्तों बाइक की लॉन्च डेट के बारे में तो दोस्तों ये बाइक इस साल के जुलाई मंथ तक शायद इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है, और प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादातर मुझे लगता है ये एक्स रूम प्राइस अराउंड 1,75,000
5000 रुपीज से आसपास की देखने को मिल जाएगी। अब कौन कौन नई वाली ड्यूक 125 का वेट कर रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।